जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका। अब आप इसको गुड न्यूज कहिए या बैड न्यूज कहिए, बीएड को प्राइमरी से बाहर करने का पूरा जद्दोजहद चल रहा है, जंग चल रहा है। उसके बाद भी हमारी सीटेट, आपका सीटेट, बीएड वालों का भी फर्स्ट ईयर का सीटेट का एग्जाम लिया जा रहा है। और इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि सीटेट ने आज आपका एडमिट कार्ड इशू कर दिया है। तो जिन बच्चों ने अभी एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया, मैं उनको बता दूं कि 20 तारीख को सीटेट की होने वाली परीक्षा का अंतिम प्रवेश पत्र, जी हाँ, लास्ट एडमिट कार्ड आ चुका है, जिसपे आपका एग्जाम डेट, एग्जाम टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइमिंग, कॉलेज सेंटर जहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर है ना, उस कॉलेज का नाम, एड्रेस, पिन कोड के साथ सब कुछ वहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो सूचना ये है दोस्तों कि सीटेट की तरफ से दोस्तों आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। एडमिट कार्ड को डाउनलोड कैसे करना है, आइए इस प्रक्रिया पे बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे कुछ अन्य टॉपिक पे, जो बीएड और बीटीसी का विवाद चल रहा है, जो बीएड के बच्चे महारथी जो जद्दोजहद कर रहे हैं, जो स्ट्राइक कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीएड का एडमिट कार्ड कैसे आपको डाउनलोड करना है। बहुत ही सिंपल दोस्तों, गूगल पे सर्च करिए सीटेट.nic.in पे आप आएंगे और पहला जो लिंक होगा उसे ओपन करिए, सीटेट का ये वेबसाइट खुल जाएगा। ऊपर ही आप देखेंगे तो आपका लिखा हुआ रहेगा डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद एक और लिंक पे क्लिक कर लीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है, लिखा है डाउनलोड एडमिट कार्ड, क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये वाला आपका पेज खुल के आ जाता है। यहाँ पे आपको डालना है एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जो ये कोड दिया गया है यहाँ पे डालिए और फिर उसके बाद सबमिट करिए। सबमिट करते ही आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड ओपन होकर आ जाता है। कुछ विद्यार्थियों को अगर ये शिकायत है कि उनका एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल पा रहा है, तो जो आपने ईमेल आईडी दिया था या फिर जो आपने मोबाइल नंबर डाला था ना, उस पर एक बार मैसेज जरूर आया होगा। तो आप वहाँ पे ऊपर सीटेट सर्च करेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर जिस मैसेज में आया है वो खुल के आ जाएगा। वहाँ से आप एप्लीकेशन नंबर ले सकते हैं या फिर कोई भी आपके पास सीटेट जो आपने फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट है, उसका पीडीएफ है, तो वहाँ पे ऊपर साफ तौर पे आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा रहता है और डेट ऑफ बर्थ आपको पता ही है। इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जो भी बीएड या फिर जो भी बीएड के बाद से पेपर वन और पेपर टू का एग्जाम देने जा रहे हैं सीटेट में, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या बीएड वालों को पेपर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। पहली बात तो आपने पैसे दिए, दूसरी बात एडमिट कार्ड आने के बाद आप क्यों नहीं देंगे। तीसरी बात यह है दोस्तों कि माना कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के एनसीटी के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है, लेकिन अभी तक एनसीटी ने तो कोई नई सूचना नहीं जारी करी है इसके रिगार्डिंग। तो हम जब हमने फॉर्म भरा ही है तो हम अटेम्प्ट जरूर लेंगे, हम पेपर जरूर देंगे और आप सबको पेपर देने जाना है। कोई शक और सुबह की बात नहीं है, हमने तैयारी नहीं करी, हमने पढ़ाई नहीं करी, हमें टेंशन था, ये था, हम पास नहीं हो पाएंगे या फिर क्या फ़ायदा सीटेट देके, ये सारी नेगेटिव चीज़ें हम बाद में बात कर लेंगे 21 तारीख को, ठीक है, 20 तारीख के बाद। अभी हम सिंपल सी बात ये है, हम सुबह उठेंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे और एग्ज़ाम देने जाएंगे, बात खत्म। पेपर आप ज़रूर दीजिएगा सीटेट का, क्या चीज़ें होती है नहीं होती वो तो बात की बात है। अगर मान लीजिए एनसीटी ने कह दिया कि इस बार तक जो बच्चे हैं एलिजिबल उनको हम अलाउ करेंगे, तो फिर आप क्या, तो वो सब बात की बातें हैं। आपने फॉर्म भरा है, सीटेट ने आपका एडमिट कार्ड जारी किया है, तो आप पेपर देने जा रहे हैं, मैं बस इतना जानता हूँ, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, पेपर दे के आइए, कैसा हो कैसा नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन पेपर आप जरूर दीजिएगा सीटेट का। मैं आपके एग्जाम सेंटर पर वेट करूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके सीटेट के लिए। पेपर जरूर दीजिए, जरूर अटेम्प्ट लीजिए, कोई नेगेटिव चीज़ें मत लाइए दिमाग में, जो चीज़ें चल रही हैं चलने दीजिए, वो अच्छी बात है, आपको पेपर जरूर देना है, ठीक। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके एग्जाम्स के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, नहीं जुड़े हैं चैनल से सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।